Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2, यानी कि Harry Potter और मौत के तोहफों का दूसरा पार्ट। अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि किस तरीके से हैरी, रॉन और हरमाइनी बाकी सभी हॉरक्रक्स को ढूंढने में लगे हैं ताकि वो उन सबको नष्ट कर दें जिससे वोल्डेमॉर्ट की मौत हो सके। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं हैरी पॉटर जो कि शेल कॉटेज में है और डॉबी की कब्र पर फूल रख रहा होता है। वहाँ से वो शेल कॉटेज के अंदर जाता है जहाँ पर उसे ग्रेबुक मिलता है। हैरी पॉटर ग्रेबुक से कहता है कि मुझे बेलाटिक्स लेस्ट्रेंज की तिजोरी में जाना है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ खास है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ग्रेबुक कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा तो जाऊँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो हैरी कहता है कि मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी सोना है। तो ग्रेबुक कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तलवार चाहिए। अगर तुम मुझे तलवार देने का वादा करो जो कि गरुड़ द्वार की है तो मैं तुम्हें बेलाटिक्स लेस्ट्रेंज की तिजोरी में लेकर जा सकता हूँ। सभी फाइनल ये डिसाइड करते हैं कि जब वो तिजोरी में पहुँचेंगे वो तलवार ग्रेबुक को दे दी जाएगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं हैरी पॉटर जाकर ऑलिवेंडर से मिलता है। उन्हें कहता है कि मेरी छड़ी इस जंग में नष्ट हो चुकी थी, मेरे पास अभी दो छड़ियाँ हैं, एक मेलफॉय और एक बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की, इनमें से कौन सी छड़ी यूज़ करना सही रहेगा। तो ऑलिवेंडर्स कहते हैं कि बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की छड़ी बनी है ड्रैगन के दिल के नस की और साथ ही मेलफॉय की छड़ी बनी है यूनिकॉर्न के पूंछ के बाल की। लगता है मेलफॉय की छड़ी की वफादारी बदल चुकी है, लगता है कि तुमने उससे ये छड़ी जीत ली है और अब ये तुम्हारी वफादार है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेलफॉय की छड़ी यूज़ करनी चाहिए। दूसरे ही वक्त हम देखते हैं कि हरमाइनी जिसके कपड़ों पर बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज का एक बाल होता है वो उस बाल को भेस बदल काढ़े की मदद से खुद को बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज में बदल लेती है। सभी चूमंतर गली में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से ग्रीन गॉड जाने की तैयारी करते हैं। हैरी पॉटर अपने कंधे पर ग्रेबुक को बिठा लेता है और अदृश्य चोगा पहन लेता है। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज यानी कि हरमाइनी और रॉन ग्रीन गॉड्स में एंट्री लेते हैं और वहाँ के चौकीदार को जाकर कहते हैं कि मुझे अपनी तिजोरी में से कुछ निकालना है। मगर वहाँ के चौकीदार को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वो उन पर पूछताछ करता है। तभी हैरी अपने सम्मोहन मंत्र की मदद से उसे सम्मोहित कर देता है और वहाँ से उसे तिजोरी की ओर ले जाता है। जब सभी तिजोरी के पास पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन है जो कि तिजोरी की सुरक्षा के लिए बिठाया गया है। तभी ग्रेबुक वहाँ से एक डमरू उठाता है और उसे बजाने लगता है, साथ ही ये भी बताता है कि ये ड्रैगन शोर पाकर खतरा महसूस करता है और यहाँ से चला जाता है। वहाँ से उस तिजोरी में जाते हैं क्योंकि हैरी पॉटर और हॉरक्रक्स सभी में काला जादू होता है तो वो अपने आप की एब्सेंस को पहचान सकते थे। हैरी पॉटर को वो कप मिल जाता है लेकिन उस तिजोरी में एक जादू भी होता है कि कोई भी अगर इस तिजोरी की कुछ भी सामान को छुएगा तो वो डबल हो जाएगा। जैसे ही हैरी पॉटर उस कप को लेने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ के सभी बर्तन, वहाँ के सभी सोने की चीज़ें डबल होने लगती हैं। मुसीबत पाकर ग्रेबुक वहाँ से तलवार लेकर उड़नछू हो जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी उस कप को लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर उस बैंक के चौकीदार उन पर हमला कर देते हैं। उनके पास निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस ड्रैगन पर बैठकर उस ग्रीन गॉड बैंक से बाहर निकल जाते हैं। वो ड्रैगन उन्हें स्कूल तक पहुँचा देता है। तभी हैरी को एक सपना आता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका है कि हमने एक और हॉरक्रक्स ढूंढ लिया है और साथ ही पांचवा हॉरक्रक्स हॉगवर्ट्स के अंदर ही है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है कि इस पांचवें हॉरक्रक्स को ढूंढने के लिए हमें हॉगवर्ट्स जाना पड़ेगा, मगर हॉगवर्ट्स के सभी रास्ते बंद क्योंकि अब स्नेप हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर है, तो हमें छुपते छुपाते हॉग्समीट के रास्ते हॉगवर्ट्स में पहुंचना होगा। रात को सभी हॉग्समीट में पहुंचते हैं लेकिन वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता पड़ता है कि काफ़ी सारे प्राणपक्षी उन्हीं के इंतज़ार में बैठे थे। प्राणपक्षी उन तीनों पर हमला कर देते हैं, उनसे बचने के लिए वो तीनों एक घर में छुपते हैं। उस घर में हैरी को एक कांच दिखता है जिसमें उसे खुद की ही शक्ल दिखती है। तभी हैरी समझ जाता है कि उस कांच में जिसे हमेशा जिसकी शक्ल दिखाई देती थी वो डंबलडोर नहीं एबाफॉर्ट थे जो कि डंबलडोर के बड़े भाई थे। हैरी पॉटर उनसे मदद मांगता है कि हमें किसी भी तरीके से हॉगवर्ट्स में पहुंचना है। हॉगवर्ट्स में एक हॉरक्रक्स है जिसे नष्ट करके हम वोल्डेमॉर्ट की शक्तियों को और कम कर सकते हैं। तभी एबाफॉर्ट अपने घर की एक तस्वीर में से हॉगवर्ट्स का एक रास्ता निकालते हैं जहाँ से लॉन्ग बॉटम आता है और हैरी, रॉन और हरमाइनी को उस गुप्त रास्ते की मदद से हॉगवर्ट्स में पहुँचाता है। उन तीनों को वहाँ पाकर हॉगवर्ट्स के सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। उनमें एक नई तरंग सी फैल जाती है क्योंकि उन्हें मदद की ज़रूरत होती है और हैरी पॉटर उसी मदद को लेकर हॉगवर्ट्स में लेकर आया होता है। हैरी सभी बच्चों को कहता है कि वोल्डेमॉर्ट को तबाह करने के लिए हमें एक छोटी सी चीज़ ढूंढनी है। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि वो क्या है। हैरी कहता है नहीं पता। वो कहाँ है? हैरी कहता है नहीं पता, लेकिन हैरी कहता है कि वो रेविना रेवनक्लो से ज़रूर रिलेटेड है।
तभी लूना वहाँ आकर कहती है कि शायद ही वो उसका डायडम हो सकता है। डायडम यानी कि उसका मुकुट। हो सकता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे ही कहीं छिपा दिया हो। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि स्नेप सभी बच्चों को हॉगवर्ट्स हॉल में आने का आदेश देता है। सभी बच्चे हॉगवर्ट्स हॉल में आते हैं और स्नेप कहता है कि मुझे पता चला है कि हैरी पॉटर को थोड़ी देर पहले हॉग्समीट में देखा गया है। अगर हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स में आया है और तुम में से अगर किसी को भी पता है और अगर उसने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें मुजरिम करार दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं हैरी पॉटर की एंट्री होती है पूरी फीनिक्स की फौज के साथ में। हैरी स्नेप को कहता है कि वो तुम ही थे जिसने डंबलडोर का खून किया, वो तुम ही थे जो वोल्डेमॉर्ट को सहारा देता है और उसके साथ मिला हुआ है। इन सभी बातों पर मैडम मैकगोनिगल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो स्नेप पर हमला कर देती है। स्नेप अपने आप को कमज़ोर समझता है मैडम मैकगोनिगल के सामने और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि मैकगोनिगल हैरी से पूछती है कि अगर तुम हॉगवर्ट्स आए हो तो इसके पीछे ज़रूर कुछ तो बड़ा रीज़न होगा, मुझे बताओ हैरी मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। हैरी कहता है कि मुझे एक होकरक मिला है जो कि हॉगवर्ट्स में है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप वोल्डेमॉर्ट की सारी आर्मी को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखें, मैं चाहता हूँ कि आप इस हॉगवर्ट्स की सुरक्षा में लग जाएं। मैकगोनिगल कहती है कि अब से हॉगवर्ट्स की सुरक्षा मेरे हाथों में है। हम देखते हैं कि बाकी सभी टीचर्स मिलकर प्रोफेसर मैकगोनिगल के साथ में संपूर्ण सुरक्षा कवच की रचना करते हैं जो कि हॉगवर्ट्स का एक कवच बन जाता है। तभी मैकगोनिगल एक मंत्र बोलती है, प्रतिमाओं जीवित भव। तभी काफ़ी सारी प्रतिमाएँ जीवित हो जाती है और हॉगवर्ट्स की सरहद पर पहरेदारी करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉन और हरमाइनी हैरी से आकर कहते हैं कि तुमने अपने दूसरे साल में काल दृष्टि के दांत से उस किताब को नष्ट किया, इसका मतलब उसके दांत से इस कप को भी नष्ट किया जा सकता है, हम उस दांत को लेने के लिए जाते हैं साथ ही तुम उस मुकुट को। हैरी उस मुकुट को ढूंढने के लिए निकलता है तभी लूना वहाँ आती है और हैरी से कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है जिसे उस मुकुट की खबर हो, इसका मतलब साफ है तुम्हें किसी आत्मा से ही बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉन और हरमाइनी को जो कि रहस्यमय तहखाने में गए हैं और काल दृष्टि के दांत से उस कप को नष्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हैरी को रेविना रेवनक्लो मिलती है। हैरी उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे उनका डायडम कहाँ मिलेगा, उनके मुकुट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है जिसकी मदद से मैं वोल्डेमॉर्ट को हरा सकूं। तो रेविना रेवनक्लो कहती है ढूंढो तो कभी ना मिले और अगर पता हो तो ढूंढना ना पड़े। हैरी समझ जाता है कि रेविना रेवनक्लो ज़रूरती कमरे की बात कर रही है, वह वहाँ भाग कर जाता है और मुकुट को ढूंढने लगता है। उसी बीच हम देखते हैं कि ड्रैको मैल्फॉय पीछे से आता है और हैरी को कहता है कि तुमने मेरी एक चूज चुराई है, वो है मेरी छड़ी, तुम मुझे मेरी छड़ी दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि हैरी का बचाव करने के लिए रॉन और हरमाइनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्रैको और उसके दोस्तों हैरी पॉटर रॉन और हरमाइनी उन सभी के बीच एक बैटल होता है जिस बैटल के अंदर वहाँ आग लग जाती है। हैरी उस काल दृष्टि के दांत से उस मुकुट को नष्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का एक होकरक और तबाह हो जाने की वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो चुका है। वो इन सभी में इंटरनली एक आवाज़ देता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, अकेले मेरे पास आना, किसी को साथ में मत लाना। उसी वक्त हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आता है, उसमें हैरी देखता है कि वोल्डेमॉर्ट स्नेप से बात कर रहा होता है। वोल्डेमॉर्ट स्नेप से कहता है, ये छड़ी तो मेरी बात ही नहीं मानती, मैं इसका असली मालिक नहीं हूँ, डंबलडोर को उस ऊंची मीनार पर तुमने मारा था, इस छड़ी के असली मालिक तुम हो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये छड़ी मेरी हो जाएगी। तभी वोल्डेमॉर्ट अपने नगीने की मदद से स्नेप को वहीं मार देता है। ये सारी बात हैरी रॉन और हरमाइनी पीछे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। जब वोल्डेमॉर्ट वहां से चला जाता है तो वो वापस आगे आते हैं और स्नेप की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेप बहुत ही ज़्यादा घायल होता है तो उसकी जान बचाने के लिए अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तभी स्नेप कहता है कि ये मेरा आंसू है, इसे स्मृति पात्र में डालकर देखना। हैरी एक छोटी सी शीशी में स्नेप के आंसू भर लेता है और डंबलडोर के ऑफिस में जाकर स्मृति पात्र में उन्हें डालता है। स्मृति पात्र में हैरी को पता चलता है कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट उसके मम्मी पापा पर हमला किया था तो उसकी आत्मा का एक और टुकड़ा टूटकर हैरी पॉटर में आ चुका था, इसका मतलब कि अब हैरी पॉटर भी उसका एक सातवां होकरक है और अगर वोल्डेमॉर्ट को मारना है तो उसे खुद भी मरना होगा। साथ ही हैरी को ये भी पता चलता है कि स्नेप लिली पॉटर से काफ़ी प्यार भी करता था, वो स्नेप ही था जिसने डंबलडोर को बताया था कि वोल्डेमॉर्ट भविष्यवाणी के तहत पॉटर फैमिली को मारने वाला है। अगले ही सीन में हम देखते हैं पॉटर मरने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जंगल में जाने के लिए निकलता है। तभी रॉन और हरमाइनी हैरी को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब हैरी कहता है कि मैं वोल्डेमॉर्ट को मारने जा रहा हूँ, तुम्हें बस नगीनी को ख़त्म करना है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हैरी पॉटर जंगल में पहुँचता है, वोल्डेमॉर्ट वहीं खड़ा होता है।
और कहता है कि आज वो लड़का मरेगा जो बच गया था, जो कि मेरी छूट से काफ़ी फेमस हो चुका था, आज मैं उसे मार दूंगा। तभी वो एक मंत्र बोलता है, तक्षण मरणासम, और उसी वक्त हम देखते हैं कि हैरी मर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हैरी की आँख खुलती है सपनों की दुनिया में। हैरी वहाँ जागता है और देखता है कि एक कोई प्राणी, एक कोई छोटा सा जीव वहाँ पर मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डंबलडोर की एंट्री होती है। हैरी पूछता है कि ये कौन है। डंबलडोर बताते हैं कि ये वोल्डेमॉर्ट ही है। जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारा तो उसकी आत्मा का वो टुकड़ा नष्ट हो गया जो तुम्हारे अंदर था। कुल मिला के अब वोल्डेमॉर्ट के सिर्फ और सिर्फ नगीन ही बचा है जो उसका एक होकरक है, बाकी सारे होकरक तबाह हो चुके हैं। डंबलडोर बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हें कभी अपना होकरक बनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उस समय जब वो तुम्हें मारने वाला था तभी लिली पॉटर बीच में आ जाती है और उसका जादू रिटर्न होकर वापस उस पर लग जाता है और वो वहीं मर जाता है, साथ ही अपना शरीर भी खो बैठता है। यही वजह है कि तुम सर्प भाषा बोल सकते हो और उन सभी होक्रक्स को सुन सकते हो। ये सभी बातें कहकर डंबलडोर वहाँ से चले जाते हैं और हैरी वापस से असली दुनिया में आ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट हैरी को उठाकर हॉगवर्ट्स में आता है। काफ़ी डरावना माहौल होता है। हॉगवर्ट्स के सभी बच्चे वहाँ पर डरे हुए होते हैं। वोल्डेमॉर्ट आकर कहता है कि अब मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, आओ मुझे ज्वाइन करो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम सब मेरी टीम में आ जाओ। तभी लॉन्ग बॉटम वहाँ आता है और उसे जादुई टोपी में से गरुड़ द्वार की तलवार दिखती है। वो उस तलवार को निकालता है और नगीनी को मार देता है। हम देखते हैं कि अब वोल्डेमॉर्ट के सारे होक्रक्स तबाह हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वोल्डेमॉर्ट बचता है। हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच में एक काफ़ी तगड़ा बैटल होता है। दोनों के बीच में छड़ियों की एक काफ़ी बड़ी जंग होती है, लेकिन अब क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के सभी होक्रक्स तबाह हो चुके होते हैं, इस वजह से हैरी के लास्ट वार में वोल्डेमॉर्ट मर जाता है और अपना शरीर खो बैठता है। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सभी अपने प्रियजनों से बात करने लगते हैं। तभी हरमाइनी और रॉन हैरी के पास आते हैं और हैरी से पूछते हैं, आखिर उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मार नहीं पाया और तुम बच गए। हैरी बताता है कि ये सारा कमाल उस छड़ी का था। एक्चुअल में वो छड़ी कभी वोल्डेमॉर्ट की थी ही नहीं। सबसे पहले जब डंबलडोर को ड्रेको ने निरस्त्र किया तो वो छड़ी ड्रेको की हो गई। फिर जब मैंने ड्रेको को मैल्फॉय मैंशन में निरस्त्र किया तब से वो छड़ी मेरी हो गई। इसका मतलब कि इस छड़ी का असली मालिक मैं हूँ, और जिस छड़ी का मालिक होता है वो छड़ी अपने मालिक पर कभी वार नहीं करती और वो उसे कभी मार नहीं सकती। इस वजह से जब वोल्डेमॉर्ट ने मुझ पर वार किया तो उसने अपना ही एक होकरक तबाह कर दिया और मैं बच गया। तभी हम देखते हैं रॉन कहता है कि इस छड़ी से तो हम काफ़ी महान हो जाएंगे, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन हैरी उस छड़ी को वहीं तोड़कर फेंक देता है और कहता है कि दोस्ती और प्यार में वो शक्ति होती है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हम देखते हैं 19 साल बाद, जहाँ पर लॉन्ग बॉटम ने लूना से, रॉन ने हरमाइनी से और हैरी ने जिनी से शादी कर ली है और उनके बच्चे हो गए हैं। उनके सभी बच्चे अब हॉगवर्ट्स के लिए तैयार हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।